देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ओम प्रकाश राजभर जी नहीं थे ना, तो उन नेताओं को बोलते थे कि वो लोग लेता नहीं है, लोडर हैं। वर्तमान में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुद लोडर बन चुके हैं, लोडर बन चुके हैं और बहुत बड़े लोडर बन चुके हैं। वो पिछड़ों की बात करेंगे, अति पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, अति दलितों की बात करेंगे, लेकिन उनका हक लूट कर अपने आप को बड़ा करेंगे, अरविंद राजभर जी को बड़ा करेंगे, अरुण राजभर जी को बड़ा करेंगे। क्या और कोई नहीं मिला उनको अरविंद राजभर के अलावा टिकट देने के लिए? एमएलसी के अंदर भी अरुण राजभर जी का फॉर्म भर गया था। मैं डंके की चोट आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ, लेकिन अगर अरविंद चुनाव नहीं खड़े होते तो पिछले लाल जी को एमएलसी नहीं भेजते। यानी कहीं पे भी अगर जाना रहेगा तो बाप आगे जाएगा, उसके बाद में अरविंद राजभर जाएगा, तीसरे नंबर अरुण राजभर जाएगा। बाकी लोग क्या पिछड़े दलित सिर्फ उनका ढोला उठाएंगे, उनकी गुलामी करेंगे? तो पिछड़ा दलित जो है उनके नाम पे जो दुकान चला रहे हैं उनकी दुकान बहुत जल्द बंद होने वाली है। अरे बहुत अच्छे सवाल पूछा आपने। मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरे छत्ती भाई हैं उनसे निवेदन करूंगा, ब्राह्मण भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हमारे हिंदू कल के अंदर सर्वोपरि देवता के बराबर है। पार्टी के सुप्रीमो ब्राह्मणों को ठाकुरों को गरियाने का काम करते हैं और बाकी कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि दबा के गरियावा ताकि राजभर समाज हमारा खुश हो जाए। आप मुझे बताइए, चुनाव जीतने के लिए क्या किसी पर्टिकुलर एक समाज को टारगेट करना चाहिए? क्या राजनीति सिखाती है? राजभर जी कहते हैं, उनके सुपुत्र दोनों कहते हैं कि राजभर जो ब्राह्मण उनको गरियाइए, ठाकुर को गरियाइए। और कुछ दिन पहले तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था ना, पूरे चैनल में चला था, सबने देखा था किस प्रकार उनके जिला के जो अध्यक्ष थे किस प्रकार ठाकुरों की माँ बहन बेटियों गरिया रहे थे। क्या उसके ऊपर ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी तक एक्शन लिया, कार्रवाई की, उसको पार्टी से निकाला? कुछ नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और उनके परिवार की मौन स्वीकृति है, वो सिर्फ यूज करना चाह रहे हैं, वोट लेना चाह रहे हैं ठाकुरों का, ब्राह्मणों का, लेकिन उनके मन के अंदर इन लोगों के प्रति काला भरा हुआ पूरी तरीके से। यादव समाज से आते हैं आप, और उन्होंने कहा था आप यादव समाज से आते हैं, उन्होंने कहा था हीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, आप कितना समय लग गया? देखिए सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी बुद्धि जब भी खुली खुली तो मैं आ गया ना, लेकिन आप ये ओम प्रकाश राजभर जी से पूछिएगा कि तुम्हार बुद्धिया कब खुल रही हो, तुम्हार बुद्धिया कब खुल रही हो। तू पिछड़न का बात करा ला ना, कुछ दिन पहले बोल ले रहा ना 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लड़कों बैठा लोग हैं कुल लात खाए लायक हुए, वो उसी की जनता उनके अब लतिया के भेजे वाली है, बपुओं के लतिया और बेटुओं के लतिया वाली है, तब खुद लात खाए वाला हूँ। ओम प्रकाश राजभर से झूठा, ओम प्रकाश राजभर से फ्रॉड कोई नेता नहीं है। कभी अपने को गब्बर बनता है, कभी अपने को सबसे बड़ा गुंडा बनता है, कभी अपने को सबसे बड़ा धनवान बनता है, और ओम प्रकाश राजभर सबसे फ्रॉड, सबसे झूठा, सबसे निकम्मा नेता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजभर भाई से निवेदन करता हूँ, हे राजभर समाज के लोगों, अगर तुमको जिंदाबाद बोलना है तो उस बनारस के ठग का जिंदाबाद मत बोलो, अपने भाई अपने बेटा महेंद्र राठौर को जिंदाबाद बोलो, और महेंद्र राठौर को लखनऊ और दिल्ली भेजने का काम करो। मैं राजपूत कर्णी सेना का मंडल अध्यक्ष हूँ, और मैं अपने समाज राजपूत भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कुछ दल्ले राजपूत समाज के ओम प्रकाश का पीला गला में पट्टा बांध करके घूम